हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टैल्क बैक ऑप्शन है, तो टैल्क बैक ऑप्शन को आप कैसे इनेबल करके यूज़ कर सकते हो अपने रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस प्रकार से शोर हैं। इसमें से आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स अपने आते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आता है कि टैल्क बैक ऑप्शन को कैसे इनेबल करके यूज़ करें, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की सेटिंग्स से अपने आती हैं। फिर आपको क्लिक कर देना है एडिशनल सेटिंग पे। क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग अपने आएगी, तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। फिर हमको स्लाइड कर देना है, तो हमारे पास टैल्क बैक ऑप्शन है शो हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो टैल्क बैक ऑप्शन को आप इनेबल करना चाहते हैं, इसके साइड पर क्लिक करेंगे तो टैल्क बैक ऑप्शन हमारे फ़ोन में इनेबल हो जाएगा। तो इसे आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, इस पर आपको डबल क्लिक करना है तो बैक हो जाता है। टू फिंगर जरिए आप इसको इस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर टैल्क बैक ऑप्शन को आप अपने फ़ोन में इनेबल करके यूज़ कर सकते हो रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।